हेलो फ्रेंड्स, मैं ओके पी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 4G का पार्ट नंबर 8, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 सारणिक बनी हुई है। 1 1 1 एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। R1 चेंज कर लेंगे, R1 माइनस R2 और R2 चेंज कर लेंगे, R2 माइनस R3। तो एक में से गया 0, x में से माइनस x माइनस y गया तो माइनस का y में से y गया 0, एक में से एक गया 0, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स तो वाई बचा, एक्स में वाई में से एक्स गया तो वाई माइनस एक्स माइनस वाई तो आ गया माइनस का एक्स, एक एक्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? और भी 0 बनाना चाहो तो और भी 0 बन जाएंगे। क्या कर लेते हैं, R2 चेंज कर लेते हैं, R2 चेंज R2 प्लस R3। R3 क्या, R1 कर लेते हैं तो क्या बनेगा, 0 माइनस का y 0 और R2 में R1 जोड़ रहे हैं तो ये 0 0 रहेगा, y माइनस वाई 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस x रहेगा, एक x और x प्लस वाई। C1 से विस्तार कर देते हैं, C1 से विस्तार, तो C1 से विस्तार करेंगे, 0 माइनस 0 प्लस का 1, इस 1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छिपा लीजिए, इसकी इससे गुणा करेंगे और इसकी इससे गुणा करेंगे, एक्स वाई माइनस 0 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स वाई। तो इसको हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। सिद्ध करो x बराबर 1 निम्न समीकरण का मूल है। तो समीकरण क्या दे रखा है, x प्लस 1 2 3 एक्स प्लस 2 3 5 5 एक्स प्लस 4 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर यहाँ पर हमको ये सिद्ध करना है कि x बराबर 1 इसका मूल है या नहीं है। तो दो तरीके हैं, या तो क्वेश्चन को हल करें और x का मान निकालें तो 1 आ जाए, या ऐसा कर सकते हैं x बराबर 1 रख दें यहाँ पर, x बराबर 1 रखने पर और LHS बराबर RHS आ जाए तो हम तुरंत उसको कर लेंगे। चलिए x बराबर 1 रख रहे हैं,
तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, एक प्लस एक दो, दो तीन, एक प्लस दो तीन, पाँच पाँच, एक प्लस चार बराबर जीरो। दो दो दो, तीन तीन तीन, पाँच 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 बराबर जीरो। और किसी सारणी की पंक्तियाँ स्तंभ अगर सर्वसम हो तो सारणी का मान शून्य होता है। तो जीरो बराबर जीरो, एल एच एस बराबर आर एच एस, अतः एक्स बराबर एक, इसका मूल है। क्लियर? तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, उसमें भी बिल्कुल यही क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम। उसमें भी सारणिक बनी हुई है, 2 माइनस एक्स 3 3 3 4 माइनस एक्स 5 3 5 4 माइनस एक्स बराबर जीरो। तो सिद्ध करना है एक्स बराबर माइनस एक इसका मूल है। तो कैसे करेंगे, दो तरीके हैं, या तो इसको हम हल करें और एक्स का मान निकालें, या सिंपल तरीका एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करके देख लें। तो एक्स बराबर माइनस एक रखने पर तो 2 माइनस माइनस 1 3 3 3 3 5 4 माइनस माइनस 1 5 3 5 4 माइनस माइनस 1 बराबर 0 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 0। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर C2 और C3 आपस में कैसे हैं, बिल्कुल बराबर हैं, तो लिखेंगे C2 बराबर C3। चूँकि C2 बराबर C3 इसलिए सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0, 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS, अतः x बराबर माइनस एक इसका मूल है। अब देखिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, ये भी मूल से संबंधित क्वेश्चन है, लगभग वैसा है लेकिन थोड़ा सा आपको अलग तरीके से लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक बात और इसने जोड़ दी है कि अन्य मूल भी ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 39, एक्स 2 माइनस 3 -6 -3x 2x -1 x -3
एक्स प्लस दो बराबर जीरो का एक मूल दो है, एक मूल कितना है दो है, तो इसके अन्य मूल ज्ञात करने हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका एक मूल दे रखा है लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने अन्य मूल भी कहा ज्ञात करो, तो अन्य मूल हम तभी ज्ञात कर पाएंगे, मूल ज्ञात कर पाएंगे जब हमको प्रश्न हल करना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करने का यहाँ पर कोई भी मेथड काम नहीं आएगा, अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो एक ही आप प्रूव कर सकते हैं, दूसरे अन्य मूल नहीं बता सकते, इसलिए इसको हल करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, R1 और R2 को हम देख रहे हैं, इनको कुछ करने से हमको फ़ायदा मिलेगा। अगर R1 में से हम R2 घटा दें तो x-2 बचेगा, यहाँ पर भी अगर हम R1 में से R2 घटा दें तो 3x-6 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो तो x-2 हो जाएगा, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, R1 चेंज करेंगे और R1 में से घटा देंगे R2 को, ठीक। तो अब आगे देखिए, ये प्रोसेस यहाँ लगाने जा रहे हैं, तो x माइनस दो, तीन एक्स माइनस छः, माइनस का x प्लस तीन माइनस एक, ये R1 माइनस R2 करने से मिला है, दो ऐसे ही, माइनस तीन एक्स ऐसे ही, एक्स माइनस तीन ऐसे ही, माइनस तीन दो एक्स और एक्स प्लस दो बराबर जीरो। अब देखिए R1 में से हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, एक्स माइनस टू, यहाँ से तीन कॉमन तो एक्स माइनस टू, और यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉमन ले लें तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और प्लस का दो है क्योंकि प्लस का तीन प्लस माइनस एक, देखिए ध्यान से यहाँ पर प्लस का तीन माइनस एक तो प्लस का दो, और माइनस कॉमन ले रहे हो तो माइनस का दो बराबर जीरो, दो माइनस का तीन एक्स, एक्स माइनस तीन माइनस तीन दो एक्स, एक्स प्लस दो। अब क्या करेंगे, R1 से x माइनस दो कॉमन ले लेंगे तो एक दो माइनस तीन, तीन माइनस का तीन एक्स दो एक्स, माइनस का एक x माइनस तीन और x प्लस दो बराबर जीरो। अब हम यहाँ पर C2 और C3 को चेंज करेंगे, C2 चेंज, C2 माइनस तीन गुणे C1, और C3 चेंज, C3 प्लस C1। X माइनस टू, एक दो तीन, जब तीन से गुणा करके, देखिए यहाँ पर तीन से यहाँ गुणा करके इसमें घटाएंगे तो तीन में से तीन गए जीरो, यहाँ हो गया माइनस का तीन एक्स तो ऐसे ही, और तीन दूनी छः तो माइनस का तीन एक्स माइनस छः, यहाँ पर क्या हो गया दो एक्स तो ऐसे ही, और माइनस माइनस प्लस का नौ, यहाँ डायरेक्ट जोड़ना है तो जीरो एक्स माइनस एक ये हो गया जीरो। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं सी थ्री से एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है तो सी थ्री से एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया,
और एक्स माइनस टू पहले से लिखा हुआ है। उसको लिख दिया। अब हमारे पास सारणिक में क्या बचा उसको लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 0, 0, -3x, -6, 2x + 9, 1, 1 बराबर 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, R1 से विस्तार करेंगे। तो R1 से विस्तार करेंगे तो ये x-1, x-2 ऐसे लिखा रहेगा। 1, इस एक से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छिपा लेंगे। -3x, -6, -2x, -9, 0, + 0। x-1, x-2, -5x, -15, 0। अब क्या करेंगे, x-1, x-2 यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लें तो आ जाएगा x + 3 = 0। तो एक बार x-1 = 0, तो x = 1 आ गया। या x-2 = 0, तो x = 2 आ गया। या x + 3 = 0, तो x = -3। तो x के ये 3 मान यहाँ पर होंगे। तो ये तो कह रहा था कि सिद्ध करो कि इसका एक मूल 2 होगा, वो तो हमारा सिद्ध हो गया। साथ में कह रहा था 2 शेष मूल और बताओ, तो लिखेंगे अन्य 2 मूल। अन्य 2 मूल कौन कौन से होंगे, 1, -3। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर, जो बिल्कुल अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, तब जाकर आप उसको समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में, a+b+c का मान 0 है, a-x c b c b-x a b a c-x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए R1, ये बात ध्यान रखिएगा कि a+b+c का मान हमको 0 दे रखा है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और हमें इसको हल करना है। हल करने का मतलब होता है कि x का मान निकालना है, ठीक है, सिद्ध नहीं करना है इस क्वेश्चन को, हमको हल करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, R1 चेंज करेंगे और R1 + R2 + R3 लिखेंगे। a+b+c
यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, समझ रहे हैं ना। इसको 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 जोड़ दिया, इसको 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 जोड़ दिया, और इसको 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 जोड़ दिया, बराबर में जीरो चल रहा है। सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वन सी बी वन बी माइनस एक्स ए वन ए सी माइनस एक्स बराबर जीरो। अब हमें मालूम है ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है। ये प्रश्न में हमको ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो यहाँ पर दे रखा है इतने का, तो हम यहाँ पर जीरो पुट कर सकते हैं। तो जीरो माइनस एक्स, ठीक है, और सारणिक में भी हल कर लेंगे, जितने ज़्यादा जीरो बना लेंगे। सी टू चेंज सी टू माइनस सी वन, और सी थ्री चेंज सी टू चेंज सी टू माइनस सी वन, सी थ्री चेंज सी थ्री माइनस सी टू, तो एक सी बी, एक में से एक गया जीरो, और सी टू में से सी बन जाएगा, तो हो जाएगा बी माइनस सी माइनस एक्स, बी माइनस सी माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ जीरो, ठीक है, ए माइनस बी, सी थ्री में से सी टू को घटा रहे हो तो ए में से बी जाएगा माइनस बी प्लस एक्स, ठीक है, सी थ्री में से सी टू को घटा रहे हैं, और सी माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, तो सी माइनस ए माइनस एक्स बराबर जीरो। ये स्टेप हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। आर वन से विस्तार, आर वन से विस्तार, तो माइनस एक्स बाहर रहेगा, एक उठाया, एक से जाने वाली पंक्ति और स्तंभ छिपा लेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे और इसकी इससे गुणा करेंगे, तो बन जाएगा b माइनस सी माइनस एक्स, सी माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी प्लस एक्स, और ये माइनस जीरो प्लस जीरो, ब्रैकेट बंद, बराबर में जीरो चल रहा है। अब यहाँ पर गुणा करानी है इन ब्रैकेटों की, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, माइनस एक्स ब्रैकेट यहाँ बन जाएगा बी सी, गुणा करा रहे हैं, देखिए बी उठाएंगे पूरे से गुणा कराएंगे, माइनस सी उठाएंगे पूरे से गुणा कराएंगे, माइनस एक्स उठाकर इन तीनों से गुणा कराएंगे, ठीक है, देखते जाइए कैसे गुणा करा रहे हैं। बी सी माइनस ए बी माइनस बी एक्स
माइनस सी स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस का सी एक्स माइनस का सी एक्स प्लस का ए एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो माइनस का ए स्क्वायर, बाहर माइनस लगाओ। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो भी देखिए, पहले ए की गुणा कराएंगे और जो चिन्ह आएगा उसका चिन्ह बदल देंगे इस माइनस की वजह से। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, गुणा कराइए, ए स्क्वायर प्लस का आएगा लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ तो माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए बी तो प्लस का ए बी, प्लस का ए एक्स तो माइनस का ए एक्स, माइनस ए बी तो प्लस का ए बी, प्लस का बी स्क्वायर तो माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी एक्स तो प्लस का बी एक्स, और बाकी तो जीरो लिखा हुआ, बराबर में जीरो। तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। यहाँ पर ये माइनस का बी एक्स और प्लस का बी एक्स कट रहा है, ये प्लस का सी एक्स और माइनस का सी एक्स कट रहा है, ये प्लस का ए एक्स और ये माइनस का ए एक्स कट रहा है, और ये माइनस का ए बी और ये प्लस का ए बी कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस का एक्स, ब्रैकेट में सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर, प्लस का ए बी, प्लस का बी सी और प्लस का सी ए बराबर जीरो। अब यहाँ पर एक बार हम इस x को जीरो के बराबर पुट कर सकते हैं, तो लिखेंगे माइनस x बराबर जीरो, तो x बराबर जीरो, ये x की एक वैल्यू आ गई। या अब इसको हम जीरो के बराबर पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर जीरो। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बचा लेंगे, बाकी इन सबको उधर भेज देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर का मान आ गया, लेकिन इसको हम यहाँ पर रोकेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, हम ये ए बी बी सी और सी ए हटाना चाहते हैं, तो इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे और लिखेंगे आगे, इसकी वैल्यू निकाल के लाएंगे अलग से, क्या कि चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
बराबर जीरो का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए बराबर जीरो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। ठीक है, माइनस टू कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस टू यहाँ बटे भेज देंगे, तो माइनस एक बटे दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको हम लोग उठा के रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख देंगे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या है, माइनस ये और माइनस का एक बटे दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक बटे दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब समझिए बेटा ये हमारे पास कितने हो गए, ये समझिएगा, ये एक वैल्यू लिखी हुई है, ये आधी वैल्यू लिखी हुई है, एक बटे दो लगा ना, तो ये एक वैल्यू लिखी हुई है और ये आधी लिखी हुई है। ठीक, एक वैल्यू और आधी वैल्यू जब हम जोड़ेंगे तो वो डेढ़ वैल्यू हो जाएगी, डेढ़ का मतलब तीन बटे दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट तीन बटे दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस ये हमारे पास आंसर आ गया, तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नए पार्ट में आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।